नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में। पूजा, एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की फटाफट खबरों पर। अब यूपी की जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, कैदियों की मानसिक शांति का होगा प्रयास। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसे लेकर जारी किया दिशा निर्देश। बंद हो जाएगी मुफ्त की स्कीम, खस्ता हाल हो रहे हैं राज्य। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को दिया अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने नए राज्यों की तरफ से घोषित लोक लुभावनी योजनाओं पर जाहिर की चिंता। दावा किया कि आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है और वो श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। दरभंगा में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक में की लूट। कैशियर की कनपट्टी पर सटाई पिस्टल और बोरे में भरकर ले गए रुपए। बैंक में आए ग्राहकों के भी 6 लाख से अधिक रुपए छीने। दरभंगा के सुपौल मुख्य पथ पर स्थित पीएनबी बैंक की शाखा में हुई लूट की घटना। और इलाहाबाद कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में फिर शुरू की सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने पूरे मामले की करेगी सुनवाई। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के लिए रामलला की पोशाक हो रही है तैयार। सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। दिन रात कारीगर कर रहे हैं मेहनत। और कुतुब मीनार में रखी भगवान गणेश की मूर्तियों के अपमान को लेकर विवाद तेज। पहले इन मूर्तियों को वहां से हटाकर सम्मानजनक स्थल पर रखने की कही गई बात, लेकिन अब बीजेपी पार्षद ने मांग की है कि मूर्तियों को कुतुब मीनार में ही उचित स्थान पर रखकर की जाए पूजा आरती। बीएसएफ एसआई के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस को घर में मिले नशीले पदार्थों की रैपर। एसआई के बेटे की हत्या में पुलिस को मिले चौंकाने वाले साक्ष्य। उमंग पार्क निवासी 31 वर्षीय जय का दोपहर तिरुमाला और हाईलिंक टाउनशिप के बीच खाली मैदान में मिला था शव। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज वकीलों ने दिया 17 बीमारियों का हवाला। न्यायमूर्ति अमरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई। चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय सोशल मीडिया के प्रमुख राकेश पांडे का ऐलान। सिक्किम में हो रहे हैं धर्मांतरण के षड्यंत्र का करेंगे पर्दाफाश। और सीओ के निरीक्षण के दौरान पिस्टल खोलने में नाकाम दिखे एसआई, राइफल बंद नहीं कर पाया सिपाही। जिले के बदलापुर कोतवाली में सीओ के औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा, तमाम कमियां हुई उजागर। सीओ ने इंस्पेक्टर संजय वर्मा से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है मामला। अब झारखंड की गठबंधन सरकार भी गिर सकती है। अपने ही मंत्रियों से नाराज हुए कांग्रेसी विधायक। झारखंड की गठबंधन सरकार में छाया खतरा। सरकार असंतुष्ट विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने के लिए मांगा समय। भोपाल में देर रात चालक ने तेज रफ्तार से दौड़ाया वाहन, जमकर मचाया हुड़दंग। कार के दाएं तरफ से दोनों टायर फटे। इसके बाद भी चालक ने नहीं रोकी कार। अंधी रफ्तार कार के पहिए से निकलती रही चिंगारियां। मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद संबंधित थानों को इस कार चालक की पहचान कर गिरफ्तारी करने के लिए दिए गए निर्देश। जालसाजी के मामले में डॉक्टर आनंद राय दिल्ली से गिरफ्तार। कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम ने किया पेश। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापक घोटाले के विशेष ब्लोवर डॉक्टर आनंद राय को क्राइम ब्रांच की टीम ने एक होटल में लिया हिरासत में। और मुनाफाखोरी के चक्कर में अभिभावकों से औने पौने दाम वसूलने वाले बुक स्टोर पर कार्रवाई। दुकान हुई सील। एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच रहे थे किताबें। मामले में 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। नायब तहसीलदार सुरेश कुमार सोनी ने चिल्ड्रन बुक डिपो को किया सील। और जबलपुर राशन की कालाबाजारी रोकने पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीडीएस का 75 क्विंटल गेहूं और 15 क्विंटल चावल जब्त। आरोपी के घर से पीडीएस राशन की खाली कई बोरियां हुई बरामद। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने भेड़ाघाट चौराहे के पास रहने वाले लखन पटेल के मकान में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं का भंडारण होने की मिली थी सूचना, जिसके बाद की गई कार्रवाई। और महंगे शौक ने दोस्ती को किया शर्मसार। फ्रेंड के पिता से ही मांग ली 50 लाख की फिरौती। उदयपुर के प्रताप नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी व्यवसायी से फिरौती मांगने वाले को किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी व्यवसायी जीवन दास उर्फ राजू दास को फोन लगाकर मांगी गई थी फिरौती। पुलिस ने फिरौती मांगने वाले आरोपी नरेंद्र कुमार उर्फ बंटी और अभिजीत उर्फ अभी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच मुरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। पड़ागांव फुलेरी के पास लिया हिरासत में। पकड़े गए जसवीर गुर्जर व विनोद बाथम से शुरू की गई पूछताछ में उत्तर प्रदेश के आसपास से जिलों से लाते थे स्मैक। घाट जिला में मन को झकझोर देने वाली हुई घटना। माँ की हो चुकी थी मौत, बच्ची को लगा सो रही है माँ। उठने के इंतजार में शव के पास बैठी रही मासूम, जिसने भी सुना उसका फटा कलेजा। करौली से भी पलायन के लिए मजबूर हुए हिंदू। अपनी जली हुई दुकानों के सामने लगाए पोस्टर। दूसरी जगह पर ठिकाना तलाश रहे स्थानीय। प्रॉपर्टी बेचने के अलावा इनके पास नहीं है कोई दूसरा विकल्प। बुलेरो और जीप की भिड़ंत, एक मृत 4 घायल। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना के किगरोही बड़ी गांव के पास मुख्य मार्ग पर हुई घटना। चालक त्रिलोचन उम्र 29 वर्ष निवासी अटारिया परन्ना चौकी भुवनेश्वरपुर थाना प्रेमनगर सूरजगढ़ छत्तीसगढ़ की मौके पर हुई मौत। जेसीबी मशीन और कटर से काट कर निकाला गया चालक को बाहर।
चारा उमरिया जिले के मानपुर जा रहा था अपने गांव, घायलों को जयसिंह नगर के शासकीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश और प्रदेश की फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।